2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। वही जनपद रुद्रप्रयाग में भी बीजेपी महिला मोर्चा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया और महिलाओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने व तीसरी बार भी भारी बहुमत से सरकार बनाने के लिए आह्वान किया। साथ ही भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नोटियाल ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन को नौटंकी बताया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। निश्चित ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि ये हमारी रणनीति 2024 की भी है। हमें क्यों प्रधानमंत्री जी को हमें दोबारा लाना है, हमें इस देश को सफल बनाना है। बहुत आगे तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व गुरु के नाम से हमारा देश जाना जाएगा। और आप हाल ही में देखेंगे कि हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हमें कितनी गर्व की बात है। यह बदौलत सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी की बदौलत है। और मैं देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर तैयार रहती है। केवल ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहे हैं तभी हम तैयार हैं, हम हमेशा काम करते हैं, समाज के लिए काम करते रहते हैं और समाज के बीच में रह के काम करते हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री निरंतर कई योजनाओं को जनता के बीच लाकर जा रहे हैं और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर समाज के लिए वो अनेकों योजना ला रहे हैं जिसका लाभ जनता ले रही है।